ये अब मम्मा ने पूरा किया है चकाचक, वरना इससे पहले कैसे हुआ हुआ था। अरे अच्छा तो मैं अभी अभी हूँ ऑफिस से। अब यहाँ देखिए पूरी आंधी आई हुई पड़ी है, पूरी मिट्टी भर रखी है। हमारी यहाँ आंधियाँ शुरू हो गई हैं, तो पहले कचरा जला के आती हूँ, फिर ये कचरा निकालूंगी, फिर सफाई होगी। ये शाम का शेड्यूल है। चलो आओ, माचिस का है मेरे हाथ में। तो ये घर के सामने मैदान एक खुला पड़ा है, और हमारे जो घर है तो मार्केट के अंदर, मेन सिटी के अंदर है, लेकिन जहाँ पर कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं नगर पालिका की, उससे जस्ट एक गली हमारा घर आगे है, इसलिए हमारे पीछे वाली गली में इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं और हमारे नहीं आती हैं, इसलिए हमें कचरा बाहर जलाना पड़ता है। तो ये जो जगह है, यहाँ पर हम आसपास के 3-4 घर हैं वो ये कचरा जलाते हैं, बाकी कहीं पर भी इतनी जगह खाली नहीं है, 1-2 प्लॉट की खाली हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी सारा मैदान है। यहाँ पर बच्चे भी शाम को खेलते हैं थोड़ी दूर, यहाँ कचरे के ऊपर तो नहीं खेलते। तो ये सारे कचरे यहाँ पर जला दिए जाएंगे, और जैसे ही डस्टबिन भर जाती है तो हम यहाँ पर जला देते हैं, और कोई जगह डालने की है नहीं, और आसपास इकट्ठा कर दें तो जानवर जो हैं गंदगी फैला देते हैं। और आज जो है मेरे मेहमान आने वाले हैं, और मैं आई स्कूल से, उसके बाद 5 बजे के बाद आंधी से जो घर भर भरा पड़ा था उसकी सफाई करनी ज़रूरी थी। मेहमान आए इसलिए नहीं, आंधी आ गई इसलिए सफाई ज़रूरी थी, बाकी शाम को आते ही रोज़ पोछे लगाने पड़ते हैं, तो उसमें आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इस काम के लिए। और आज है 31 मार्च, ये 31 मार्च के शाम की का बात कर रही हूँ, 4 बजे आई हूँ स्कूल से, और कल से टाइम चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल से। और आप भी जो हैं अप्रैल फूल किसी को मत बनाइए, वैसे तो ये वीडियो आपको बाद में मिलने वाली है। तो सफाई शुरू करनी मैंने शुरू कर दी है, यहाँ से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, मुझे डस्ट से बहुत ही ज़ोरदार एलर्जी है, डस्ट और गर्मी से, और अगर सब्ज़ी बनाते हैं उसका तड़का लगता है, तो इन 3 चीज़ों से मुझे काफ़ी तेज़ एलर्जी है। जब एलर्जी होती है तो छींके शुरू हो जाती है, और आँखें नाक सब जलने लगते हैं, और ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो नक्सीर नाक से शुरू हो जाती है, फिर सर दर्द बुखार जैसी हालत भी हो जाती है। पहले मैंने होम्योपैथी की दवाई ली थी इस जुखाम के लिए, पहले सूरतगढ़ रहती थी तो वहाँ से ली थी, बहुत फ़र्क पड़ा था और बहुत आराम मिला था। यहाँ से जो मैंने होम्योपैथी की दवाई ली थी वो क्या, उसमें मिक्स विक्स ज़्यादा करना पड़ता था और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, और मैं दवाई लेने में इतनी आलसी हूँ कि मेरे 1-2 दिन तो सर दर्द होता है तो भी मैं गोली नहीं लेती हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की अभी आंधियाँ छूट गई है और ऐसा यहाँ पर मौसम हो रखा है तो ये कौन सा एरिया हो सकता है, कहाँ से हम हो सकते हैं, सारी जान पहचान धीरे धीरे होगी। तो चलिए ये आज की सफाई फटाफट हो जाए। फिर जो है सिस्टर एंड जीजा जी आए हुए हैं, उनका वैसे शुरू के जो हैं गांव तो यहीं पे हैं पास में, लेकिन वो अहमदाबाद रहते हैं और वहाँ से आए थे किसी शादी के सिलसिले में, और होली भी मना ली घर पर अपने दादा मतलब सास ससुर के पास, और अब वापस जाएंगे तो वो आ जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि वो यहाँ रुकने वाले हैं, और मैंने ये हमारा नया घर बना है उसके बाद मेरी सिस्टर पहली बार आ रही हैं। और अब वो वापस जा रहे हैं, तो आज अभी यहाँ पे आएंगे, उनके पास गाड़ी है, रात को यहाँ रुकेंगे और सुबह वो जाएंगे। रात को यार मासी के जैसी सेम टू सेम मम्मा दिखती है, बस मम्मा के थोड़े से अरे वो है ब्लैक हेड्स कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिएगा अंदर से पोछा हो चुका है, बाहर से नल चालू करके पूरा गेट के आगे से भी धो दिया है, अब घर के अंदर सफाई करेंगे। तो अगर पहले अंदर करती और फिर बाहर करती तो बाहर से जो डस्ट वगैरह होती वो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत अंदर आ ही जाती। तो ये शाम को बज गए हैं 8:30, और ये सिस्टर आ गई हैं और अपनी पढ़ाई कर रही है ऑनलाइन, ये जो हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, और इनकी 2 बेटियां हैं, एक ये सो रही हैं, इसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, बुखार वगैरह है,
और दूसरी वाली उधर दूसरे रूम में बच्चों के साथ टीवी देख रही हैं। लेकिन इन लोग बच्चों ने टीवी के बाद क्या किया वो आपको बताऊंगी तो आप मानेंगे भी नहीं। ये टीवी देखते देखते कब बाहर गए पता भी नहीं चला, और बाहर जो मैंने पोछा लगा के सफाई की थी उसका सत्यानाश कर दिया। ये मेरे बहनोई जी हैं यानी जीजा जी हैं, अभी सुबह ये 5 बजे निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। तो बच्चे टीवी देख रहे थे, हम अपने कामों में लगे थे, ये जो है नया लैपटॉप लाए थे तो इसको स्टार्ट कर रहे थे, मेरी सिस्टर उस रूम में पढ़ रही थी, और ये बच्चे बाहर निकले और इन्होंने होली के 3 दिन बाद, लगभग 3 दिन हो ही चुके हैं, तो इतने दिन बाद बाहर जाके ये बच्चे जो हैं कलर खेल के आए हैं और बुरी तरह से खेल के आए हैं, जिस दिन होली को भी नहीं खेले इतनी बुरी तरह से। ये मेरी भांजी है, ये तो जो है छुप गई थी अपनी मम्मा के डर के मारे, तो फिर उसने उधर ही ले जाके इसको नहला दिया था, लेकिन मेरे वाले दोनों ही पकड़ में आ गए थे और ये डरते तो हैं नहीं मस्ती करने में, बाकी गलत काम ज़्यादा नहीं करते हैं, मस्ती करने में ज़्यादा नहीं डरते हैं क्योंकि मैं रोकती भी नहीं हूँ। और आप मानोगे नहीं, बच्चों ने इतना स्मार्टली काम किया, पहले इन्होंने चेंज किया क्योंकि होली के दिन भी मैंने बोला था वो कपड़े मैं पहन के आपको होली खेलनी है। इस घर में बच्चे थे जो मेरे ही थे, अब पता नहीं ये दूसरे हैं या वही है, बस बाहर से थोड़े बदले बदले से होकर वापस आए हैं। बच्चे आप किसके हो? आपके। वही हो पक्का? ठीक हाँ। है फिर आंटी कलर, कलर वाले तो यहाँ से गए थे, दिव्यांशी और तेजस वही हो क्या? हाँ। पक्का? क्या सबूत है? मेरा नाम दिव्यांशी। ऐसे कोई सबूत नहीं होता ना, क्या ना के आओ फिर मैं दोबारा चेक करेंगे वही एक दूसरे। किसके चड्डे के ऊपर डिजाइन बनी हुई? अच्छा ये डिजाइन है, यही कपड़े पहने हुए थे इसकी दीदी के। चलो जाओ ना के आओ फिर चेक। दीदी बुलाता हूँ। अच्छा वो तो दूसरा बच्चा भी दीदी बुला सकता है। अब कहाँ जा रहे हो? नहीं। अच्छा जाओ वापस आके फिर से वीडियो लेना। ओके हमें तेरी बात है दस है, हमारी प्रूफ भी बताएगी तब हम उसे नाम करके आएगी, जब हम प्रूफ भी बताएगी। कौन है ये? देखो हमें दिव्या तेजस, दिव्यांशी तेजस। जाओ अब जाओ। ये मेरी बिटिया जी है जिसको हमेशा कुछ न कुछ बनाना होता है, और इस बार इसने ये बनाया है और बिल्कुल बिना मेरे हेल्प के बनाया है। अगर आप चाहते हैं इसका ट्यूटोरियल देखना तो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, आप अगर कमेंट करेंगे तो वो भी बताऊंगी। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते एक प्यारा सा लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू, बाय।